पाली थाने पदस्थ पुलिस कर्मियों की पदोन्नति के उपलक्ष्य पर पाली के युवा द्वारा पुलिस कर्मियों को भेंट कर तुलसी का पौधा दिया गया। पाली महाविद्यालय में 11 पौधे लगाकर पौधारोपण भी किया गया। इसमें पाली महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर गंगाधर ढोके, प्रोफेसर हरलाल अहिरवार, पाली थाना प्रधान आरक्षक कामता सिंह बघेल, शैलेन दुबे, दिनेश नामदेव, कमलेश अहिरवार, विकास चतुर्वेदी, उमाशंकर मरकाम, युवा हिमांशु तिवारी, महेंद्र तिवारी, पारस सिंह आदर्श प्रसाद एवं सभी उपस्थित थे। युवाओं ने पाली थाने में पदस्थ पदोन्नति सभी पुलिस कर्मियों को युवाओं द्वारा तुलसी का पौधा भेंट करके ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं दी। पाली महाविद्यालय में पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर वृक्षारोपण किया गया। युवा हिमांशु तिवारी ने बताते हुए कहा कि वृक्षारोपण का महत्व इतना स्पष्ट है, तब भी कुछ ही मुट्ठीभर लोग हैं जो वास्तव में इस गतिविधि में शामिल होने का प्रण लेते हैं। बाकी अपने जीवन में इतने तल्लीन हो चुके हैं कि वे ये नहीं समझते कि बिना पर्याप्त पेड़ के हम लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। यही सही समय जब हमें वृक्षारोपण के महत्व को पहचानना चाहिए और उसकी ओर अपना योगदान देना चाहिए। एक प्रसिद्ध कहावत इस प्रकार है कि कल्पना कीजिए कि अगर पेड़ वाईफाई सिग्नल देते तो हम कितने सारे पेड़ लगाते, शायद हम ग्रह को बचाते। बहुत दुख की बात है कि केवल वे ऑक्सीजन का सृजन करते हैं। कितना दुखद है कि हम प्रौद्योगिकी के इतने आदि हो गए कि हम अपने पर्यावरण पर होने वाले हानिकारक प्रभावों को अनदेखी करते हैं। न केवल प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल प्रकृति को नष्ट कर रहा है बल्कि यह हमें उनसे अलग भी कर रहा है। आज जो कल हमारे पाली में पदस्थ 10 पुलिस वालों की पदोन्नति हुई है, वो प्रधान रक्षक बने हैं, उसके उपलक्ष्य में आज हम पाली महाविद्यालय में उनके साथ मिलकर 11 पौधे लगा के पौधारोपण किया और उन्हें तुलसी का पौधा भेंट करके उन्हें शुभकामनाएं बधाई दी। उमरिया से राशि मिश्रा की रिपोर्ट।